नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा में आज दूसरे पीडीएस में अनियमितता के मुद्दे पर बहस हुई। बीजेपी नेता धरमलाल कौशिक ने पीडीएस अनियमितता का मामला उठाया। बीजेपी नेता धरमलाल कौशिक ने बताया कि केंद्र द्वारा दिए पीडीएस में अनियमितता पाई गई थी, इसे मंत्री ने भी स्वीकारा है। साथ ही अब तक कार्रवाई नहीं होने की बात भी कही गई है। इसके बाद विधायकों ने सदन की कमेटी से इसकी जांच कराने की मांग रखी। मंत्री ने सदन की कमेटी से जांच कराने की घोषणा की। मंत्री दयाल दास बघेल ने भी माना कि पीडीएस के सत्यापन में 216 करोड़ की कमी पाई गई है। राजेश मूणत ने भी सभी सदन में पीडीएस का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि गरीब का चावल जिसने खाया उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अनियमितता हुई थी उसको लेकर के आज फिर प्रश्न लगाया गया था और माननीय खाद्य मंत्री से पूछा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो चावल पीडीएस की दी गई है उसमें भारी मात्रा में अनियमितता पाई गई है और उसके खिलाफ जो अनियमितता पाई गई है उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई अभी तक हुई है। माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि अनियमितता पाई गई है। तो वहीं पीडीएस घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री ने कहा कि पीडीएस में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 216 करोड़ की गड़बड़ी हुई है, सदन में मामला उठाया गया है, इसकी जांच के लिए सरकार कमेटी बनाएगी और जो भी लोग मामले में दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मौजूद है खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल जी। दयाल दास बघेल जी, आज सदन में मामला उठाया पीडीएस में गड़बड़ी का, 216 करोड़ की गड़बड़ी की बात आपने भी स्वीकारी है, सत्ता पक्ष के आपके विधायक ने ही सवाल उठाया है। जी हाँ, जब विधानसभा में एक प्रश्न लगा था, प्रश्न 844 क्रमांक में लगा था, ये प्रश्न में माननीय मंत्री जी, पूर्व खाद्य मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया था कि मैं 24 मार्च तक पूरा जांच और भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट ला करके जमा कर दूंगा, लेकिन 24 मार्च तक रिपोर्ट नहीं जमा हुआ। इस पर हमारे माननीय वरिष्ठ विधायक धर्मपुर सिंह जी का नाराजगी है। जब मंत्री जी का घोषणा को अधिकारी लोग अमल नहीं किए, इस पर कार्रवाई करोगे क्या, जिस पर सदन के कमेटी से जांच करने का निर्णय किया गया। ये थे मंत्री दयाल दास बघेल जी, जिन्होंने कहा कि जो गड़बड़ियां हुई है धान पीडीएस की गड़बड़ियां, उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी, समिति बनाई जाएगी और जो भी जांच में मामला सामने आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। तो वहीं विपक्ष ने धान खरीदी और तिथि बढ़ाने का मुद्दा उठाया। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी का समय और बढ़ाने की मांग की, लेकिन मंत्री दयाल दास बघेल ने समय बढ़ाने से इनकार कर दिया। इस पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव नहीं माना। इसके बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की, जिसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरीके से विपक्ष के नेता सदन के बाहर एकजुट होकर जमीन पर बैठकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। हमने उनको मोदी की गारंटी का पत्र दिखाया, आपने गारंटी, हमने उनको मोदी की गारंटी का पत्र दिखाया, आपने गारंटी दी है कि पूरे किसानों के धान 2100 में खरीदेंगे, आपने अभी तक कोई भुगतान केंद्र नहीं बनाया। आज आपके उत्तर में आप कह रहे हैं कि हमारे 3 लाख जो हुए एकड़ प्रति हेक्टर, उसकी धान के बारे में कोई आप सुन नहीं रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है आप सुनने को तैयार नहीं है, धान बचा है आप सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए हमने बहिष्कार किया। दूसरी बात है रकबा भी घटा, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब ये है कि सरकार किसानों को धान खरीदना नहीं चाहती। इसी बात के लोग हमने स्थगन लगाया कि आज स्थगन का विषय यही था कि किसान धान बेचना चाहते हैं,
वो आप खरीद नहीं रहे हैं, समय बढ़ाइए। दूसरी बात यह है भुगतान हो नहीं रहा है, 15 दिन पहले से धान बेचे अभी तक भुगतान नहीं हुआ, लंबी लंबी लाइन लगी किसानों के, जो 50,000 रुपया धान बेचा है उसको 10,000 रुपया दे के भेज रहे हैं, तो भुगतान भी बराबर नहीं हो रहा है, सरकार पैसा भी नहीं दे पा रही है। और तीसरी बात यह है कि आप 3100 नगर पंचायत में भुगतान करने की बात कही थी लेकिन आप उसकी भी व्यवस्था नहीं किए, तो ये सब मुद्दों को लेकर हमने स्थगन लगाया था और ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, उन्होंने चर्चा करने से मना कर दिया। जी देखिए, हम किसानों के हित में चर्चा के लिए मांग किए, चर्चा के लिए जो ये सरकार मुकर गई, जबकि किसानों से जुड़ा सारे मुद्दे, आज किसान परेशान है, यहाँ तक कि टोकन नहीं दिया गया, 4 दिन जरूर बढ़ाया गया लेकिन इस पर टोकन नहीं दिया गया। और इधर अंबिकापुर से बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी जल्द सामान्य नागरिक संहिता विधेयक आएगा, साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता विधेयक लाना स्वागत योग्य कदम है, जल्द इसे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। साथ ही कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू होगा, यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत स्वागत योग्य है, पूरे भारत में लागू होगा है, तो निश्चित रूप से इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में हम छत्तीसगढ़ में भी पेश करवा के इसको लागू करवाएंगे। अंबिकापुर में मंत्री राम विचार नेताम ने राहुल गांधी की यात्रा के सरगुजा में पड़ाव को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरगुजा का मौसम बहुत अच्छा है, क्लाइमेट का लाभ लेना चाहिए, न्याय यात्रा का लोगों पर क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बार आए थे तो खटिया बैठक किए थे, लोग खटिया ही उठाकर लेकर चले गए। साथ ही अमरजीत भगत के यहां आईटी के छापे को लेकर कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अच्छा है, सरगुजा का जलवायु अच्छा रहता है, क्लाइमेट का लाभ उनको लेना चाहिए और अपना स्वास्थ्य लाभ भी लें। गांव में अच्छी बात है, एक बार खटिया मीटिंग किए थे तो खटिया उठा उठा के ले गए लोग। बीजेपी का लोकसभा चुनाव के लिए गांव चलो अभियान कल से शुरू होगा। इस अभियान के संयोजक मोतीलाल साहू ने बताया कि इस अभियान के तहत कार्यकर्ता और पदाधिकारी गांवों में रात बिताएंगे, साथ ही केंद्र सरकार के 10 सालों की उपलब्धियों को लोगों को बताएंगे। ये अभियान 7 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत कार्यकर्ता और नेता 20,000 गांवों तक जाएंगे, वहीं मुख्यमंत्री जशपुर में एक गांव में रात बिताएंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव रायपुर जिले के किसी गांव में रहेंगे। तो गांव चलो अभियान के तहत नेता आपको गांव में अब नजर आएंगे, रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे और वहां की रिपोर्ट लेंगे। महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें एक दिन का प्रवास 7 तारीख से लेकर के 11 फरवरी तक, इन दिनों में एक दिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नेता सभी मिलकर के गांवों में 24